यूटी लद्दाख के कारगिल जिले के जंस्कार में 13 दिवसीय विंटर खेल महोत्सव शुरू हो गया। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। लद्दाख पर्यटन महोत्सव के दौरान बर्फ में खेले जाने वाले कई खेलों का आयोजन करेगा। इस समय लद्दाख, लेह और करगिल जिलों में आइस हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महिला और पुरुषों की टीमें हिस्सा ले रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में अब कट्टरवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रदेश के लोग, विशेषकर धार्मिक नेता, कट्टरवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। मुस्लिम हिंदू धार्मिक नेताओं ने कट्टरवाद के समाज और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाने का संकल्प लिया है। जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर पीओजे के रिफ्यूजी ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीओजे के युवाओं को पुलिस भर्ती में सफल होने के बावजूद उन्हें वहां से भगा दिया गया और उनके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लिए गए। साथ ही उन्हें धमकी दी जा रही है, जो करना है कर लो, पहले स्टेट सब्जेक्ट लाओ। वहीं उन्होंने कहा कि 370 से हट गई और हमने जिला विकास परिषद के चुनाव में वोट भी डाले, फिर हमारे साथ ये व्यवहार क्यों? हमारे बच्चे नौकरियों को क्यों नहीं दी जा रही? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने के बावजूद पीओजेके के युवाओं को कोई तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? जम्मू में विद्यार्थियों द्वारा यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी नेता संजय परियार ने कहा कि 20 दिनों से विद्यार्थी सड़कों पर है, 2 सेट ऑफ रूल चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाए। कश्मीर घाटी में जहां सेना आवाम के जान माल की रक्षा में अपना सर्वोच्च योगदान दे रही है, वहीं भारतीय सेना सामाजिक दायित्व से भी पीछे नहीं हटती। इसी क्रम में सेना द्वारा सद्भावना के तहत नौगांव में एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जहां युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम तालीम से तरक्की तक इन युवाओं को भविष्य में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम निटिंग और एम्ब्रॉयडरी का है। कश्मीर घाटी में जिला बांदीपुर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदीपुरा डॉक्टर परवेजा की उपस्थिति में जिला अस्पताल में आयोजित एक समारोह के दौरान शुरू किया गया। इस अवसर पर कोविड-19 वैक्सीन कई वरिष्ठ डॉक्टरों और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई। जिला डोडा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सूरज सिंह ने आज गणतंत्र दिवस 2021 को सुचारू ढंग से सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। एडीडीसी ने सुरक्षा, स्वच्छता, सफाई, बैठने की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था, मुख्य स्थल में रोशनी, सजावट, फायर टेंडर्स, परिवहन सुविधा, पुरस्कार वितरण, झांकी आदि के बारे में जानकारी ली। अखनूर कस्बे के पीएचई वर्कर एसोसिएशन के अखनूर डिवीजन के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो पिछले 25 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पर सरकार उनके मुद्दों को हल करने पर ध्यान नहीं दे रही। हमारी दुर्दशा बहुत दयनीय हो गई है, बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, भूखमरी की कगार पर आगे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। अखनूर कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को इजाजत नहीं मिलने पर दमकाल चौक पर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये कार्यक्रम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला भी उपस्थित थे। रमन भल्ला ने केंद्र व राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि दोनों सरकारें पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब जनता मजबूर हो चुकी है कि केंद्र और प्रदेश से ये सरकार से जन छुटकारा मिल पाए। केंद्र कृषि कानूनों को लेकर संजीदा नहीं है, किसानों की जाने जा रही है और मोदी सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। जम्मू में रहबरे खेल एम्प्लॉइज द्वारा प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकारों द्वारा बड़े बड़े वादे और आश्वासन मिलने के बाद भी इनकी समस्याएं जैसी थी वैसी ही है। इसी को लेकर रहबरे खेल एम्प्लॉइज द्वारा बीजेपी के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि हमें 300 रुपए मासिक दिया जाता है, जिससे गुजर बसर नामुमकिन है। बीजेपी पीडीपी सरकार ने प्रोबेशन पीरियड 7 साल का रखा। हम मांग करते हैं इसे घटाकर 2 साल किया जाए। यूटी बनने के बाद भी हम दर बदर हो रहे हैं। टीचर्स के साथ सरकारें इंसाफ नहीं कर रही हैं, तो ये किसके साथ करेंगी?